अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, यहां पर कार्यालय जिला परिषद लातेहार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है अनुबंध के आधार पर नियुक्ति संबंधित। तो हम लोग यहां पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सिर्फ यहां पर एक पदों पर नियुक्ति की जानी है और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति की जानी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला परिषद लातेहार में अनुबंध के आधार पर एक पद पर कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी तौर पर की जानी है। इस पद पर पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है। एक पदों के लिए नियुक्ति की जानी है और यह अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अनुभव की बात करें तो लातेहार जिला अंतर्गत झारखंड सरकार से संबंध सरकारी कार्यालय में 3 वर्ष का कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 16,480 रुपये यहाँ पर प्रति माह आपको यह सैलरी दिया जाएगा, 16,480 रुपये। चयन हेतु यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, उम्र सीमा की गणना जो की जाएगी वो 1/3/2021 को की जाएगी। 1/3/2021 को न्यूनतम आपका यहाँ पर कम से कम 21 साल होना चाहिए, अधिकतम की बात करें तो 35 साल आपकी अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। लातेहार जिला के स्थानीय निवासी ही चयन के लिए मान्य होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लातेहार जिला के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जा रही है और यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है वो टाइपिंग के लिए आनी चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थी का चयन उसकी योग्यता, कार्यानुभव और लिखित परीक्षा, दक्षता जांच, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता है तो 20 अंक दिए जाएंगे, कंप्यूटर योग्यता के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, अनुभव के लिए यहाँ पर 10 अंक दिए जाएंगे, लिखित परीक्षा ठीक है 40 अंक का होगा, कंप्यूटर टाइपिंग जाँच जो होगा वो 20 अंक का निर्धारित होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका नियुक्ति की जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर इच्छुक हैं तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद लातेहार को भेजेंगे, ठीक है। तो ये पता है यहाँ पर और इसी पता पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से स्थगित रद्द करने का संपूर्ण अधिकार अधिकारी जो होंगे उनके पास होगा। आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर देख लीजिए 2 रंगीन फोटोग्राफ, यहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र और स्व प्रमाणित यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र सभी अटैच करते हुए 20/3/2021 तक, ठीक है, 20 मार्च तक आप यहाँ पर शाम के 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है, कार्यालय जिला परिषद लातेहार में प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फॉर्म जमा करना है। तो इच्छुक हैं तो और यहाँ पर आपकी योग्यता है, आप यहाँ पर आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में